अरे चिंता करो पहले कैसे होगा, कैसे होगा प्लान? कोई कमी नहीं है, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं जिंदा हूँ। आओ मुझे टोको, मैं जिंदा हूँ। आज पैर पड़ रहा है, आखिर हमको जिंदा कैसे करेंगे, कब करेंगे बताइए, हम कहाँ जाएंगे? योगी मोदी डरते हैं मुर्दा से। कहा है यूपी में मुर्दा जिंदा है। 60 बार गिरफ्तार हुए, एक बार और सही। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंतिम चरण के चुनाव के लिए नामांकन पर्चे खारिज होने पर कई उम्मीदवारों को मायूसी हाथ लगी। इस बीच वाराणसी में जिला मुख्यालय पर एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब अपने जिंदा होने के प्रमाण के लिए साल 2012 से चुनाव लड़ने वाले संतोष मूरत सिंह का पर्चा भी खारिज हो गया तो उन्होंने जमकर हंगामा किया। ठोका है तुम लोगों ने, फिर भी मैं जिंदा हूँ। कोई कमी नहीं है, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं जिंदा हूँ। आओ मुझे टोको, मैं जिंदा हूँ। मारो, कितना मारोगे? बजाओ ताली, बजाओ। मेरे पास कागजात पूरे हैं साहब, मैं जिंदा हूँ। इनकी आत्माएं मरी हुई है, इनकी आत्माएं मरी है। कागज अगर मेरे पास कागज नहीं है तो मैं इतना काम कैसे कर रहा हूँ, नामांकन कैसे दाखिल कर रहा हूँ। एडीएम सिटी के पैरों पर गिरकर संतोष ने न्याय की गुहार लगाई। बताइए हाल है, हमको जिंदा भी नहीं कर रहे, पर्चा खारिज पे खारिज, खारिज पे खारिज, खारिज पे खारिज, कहाँ जाए बताइए। अरे हम बैठेंगे, हमको बुलाओ पुलिस, हम नहीं जाएंगे। अब पता है कानपुर गए, वहाँ भी पर्चा खारिज, वहाँ भी खारिज, वहाँ भी खारिज, पर्चा भी खारिज, पर्चा भी खारिज करोगे? कब तक करोगे? करो, मार डालो मुझे, पूरी जिंदगी। आओ, क्यों ऐसा होता है मेरे साथ? मैं जिंदगी खारिज किया हूँ, पर्चा खारिज करके संतोष का कहना है कि न्याय न मिलने से ही धरना देना शुरू किया। पुलिस ने शांति भंग करने के मामले में संतोष को हिरासत में ले लिया। संतोष मूरत सिंह का आरोप है कि साजिश के तहत उनका पर्चा खारिज किया गया है। पर्चा हमारा देखिए, जान के ये लोग खारिज कर दे रहे हैं, जिंदगी तो खारिज किए ही है साहब, पर्चा खारिज पे खारिज किए जा रहे हैं। अभी कानपुर गए तो वहाँ भी पर्चा हमारा खारिज कर दिए, यहाँ आए यहाँ भी हमारा खारिज कर दिए। और हम ये कहना चाहेंगे कि ये लोग जो है ना हमारे नाम से जो है दहशत में है, और रात को 10 बजे जो है कि बुला के जो है कि मीटिंग होती है यहाँ पे, बड़े बड़े पार्टियों का जो है कि डॉक्यूमेंट रात को लिया जाता है, और हम जैसे मुर्दा जिंदा का जो है कि टाइमिंग का वो बता के, और हमने इस बार पूरा परिपूर्ण एफिडेविट लगाया है, सब चीज़ किया, वकील के माध्यम से भी किया है कि नहीं चलो हमने भरा है, चलो भाई हम पढ़े लिखे कम है इसलिए हमने वकील भी किया है, वकील साहब ने पूरा भर के दिया है, बोले इस बार आपका एकदम सब प्रस्तावक से लेके एक एक पॉइंट, क्योंकि हमारा पर्चा पिछले वहाँ खारिज हुआ था, उसलिए हमने कहा कि भैया यहाँ खारिज ना हो, इसलिए एक एक लाइन एक एक बिंदु पे आप ध्यान दीजिएगा वकील साहब। तो उन्होंने पूरा एफिडेविट से लेके सब वो पेपर वर्क उन्होंने बढ़िया से किया था, लेकिन यहाँ पे जानबूझ के इन लोगों ने खारिज इसलिए कर दिया है कि मैं जिंदा हूँ, संतोष मूरत सिंह का नाम नेम और फेम है, कहीं अगर इसको पर्चा साबित हो गया तो कहीं जिंदा भी हो जाएगा, और चुनाव में अगर खड़ा हो गया तो विपक्ष पार्टी को हरा भी सकता है। हमारे पास कोई साधन नहीं, हम 20 सालों से साहब धरना दे रहे हैं, और तमाम अधिकारियों के तमाम पुलिस वालों के बीच में हम प्रार्थना पत्र लेके आते रहते, ये लोग मुझे कितनी बार ठोके हैं, कितनी बार मारे हैं, है कोई मुझसे नजर मिला के बात करे। शिवपुर विधानसभा से संतोष ने पर्चा दाखिल किया था। संतोष का ये आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर पर्चा खारिज हुआ है। बुलाओ पुलिस, बुलाओ पुलिस। आज NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। 60 बार गिरफ्तार हुए, एक बार और सही, डाल दो जेल।